और बीजेपी ने लखनऊ महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आनंद द्विवेदी को दे दी है, जबकि जिलाध्यक्ष पद पर विनय प्रताप सिंह को लाया गया है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण और क्षत्रिय चेहरे को सामने किया है। वही नेटवर्क 10 संवाददाता ने नव नियुक्त नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी से बातचीत की है और उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले लगातार बीजेपी अपनी पार्टी में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक कर रही और मंथन कर रही है कि किस तरह से 80 पर जो दावा किया जा रहा है उस दावे को जमीन दी जा सके। हालांकि नवनियुक्त नगर अध्यक्ष हमारे साथ आनंद द्विवेदी जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ प्राथमिकताएं और बात की जाए लोकसभा चुनावों की, जो मंथन प्रक्रिया है वो देखने को मिल रही, चाहे RSS के संबंध में बैठक की बात हो या फिर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता बैठक कर रहे हैं, क्या लगता है कि नतीजे क्या होंगे? भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक तो सदैव चला करती है, निरंतर चला करती है। हम लोग मंडल अध्यक्षों के स्तर पर, सेक्टर संयोजकों के, शक्ति केंद्र संयोजकों के स्तर पर और बूथ तक हम लोगों की इकाई बनी हुई है और हम लोगों ने पन्ना प्रमुख तक संगठन को चुस्त दुरुस्त करके रखा हुआ है। और हमारा जहाँ तक मानना है कि हमारा संगठन सदैव चुनावी मोड में रहता है और हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें और लखनऊ में पिछले वर्ष भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी 3,48,300 कुछ मतों से जीत करके गए थे और हम लखनऊ महानगर की ओर से लक्ष्य बनाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 5.5 लाख मतों से हम यहाँ से जीत करके माननीय मोदी जी को 30 लाख प्रधानमंत्री बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से लगातार दावा किया जा रहा है कि आगामी लोकसभा के चुनावों में 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित की जाएगी, उसको लेकर लगातार कवायद की जा रही है और हमारी तरफ से भी ये लगातार प्रयास रहेगा। और फिर से अगर राजनाथ सिंह को यहाँ पर पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो बड़े मतों के साथ में उन्हें विजयी बनाया जाएगा। कैमरा मनोज के साथ मैं तिवारी, लखनऊ।